फोन पे क्या लगी रहती है सारे दिन? मेरे पास 98% है, ओनर्स है और बॉयफ्रेंड है, तेरे पास क्या है? मेरे पास Sakshita Singh. I'm a third professional business student. So few days back, I received a call from Amazon delivery partner, and he asked कि आपका एक order आया है, मैम फटाफट से आके ले लीजिए. मुझे नहीं पता था उस order के बारे में, किसने वो भेजा है, कहाँ से आया है, उसके अंदर क्या है. And जैसे ही मैंने open किया, what? जैसे ही मैंने open किया, तो litmus उसके अंदर था. I literally can't believe. मतलब क्लास 11, 12 के अंदर जब प्रिपरेशन करते थे तो सुना था कि लिटमेंट्स का स्टेथोस्कोप होता है, तो वो चीज़ें सब एक ड्रीम जैसी थी. एंड ना मैंने आज ऑर्डर किया ना कुछ, एंड सडनली कोई मुझे भेजता है, सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. सो बेसिकली आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, एंड 5-6 साल पहले एक सपना देखा था कि नाम के सामने डॉक्टर लगाना है. सो प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बट इनिशियली गाइडेंस नहीं थी, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, मेरी तरफ से भी काफ़ी सारी गलतियाँ रही, तो इसीलिए फर्स्ट अटैम्प में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया. इनफैक्ट 291 मार्क्स थे, बहुत ही बेकार स्कोर था. बट कुछ दोस्त ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हो गया. मैंने अपने ड्रॉप ईयर की जर्नी शुरू की, एंड उस जर्नी के अंदर जब भी उनके फोटोज़ देख के, वो स्टेथोस्कोप के साथ, वो एप्रन के साथ, तो थोड़ा सा बुरा लगता था इंस्टाग्राम पे उनकी प्रोफाइल देखकर. बट फिर मैंने भी पूरा ड्रॉप ईयर में मेहनत किया एंड अपनी तरफ से जी जान लगा दिया, पूरी तड़प के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हर काम किया. एंड 2019 के अंदर मैंने अपना नीट का एग्जाम जो था वो क्लियर कर लिया था, एंड अपनी MBBS स्टूडेंट के रूप में एक जर्नी जो थी वो शुरू की. वैसे तो मेडिकल कॉलेज के अंदर जाते ही छोटा मोटा स्टेथोस्कोप हर कोई ले लेता है, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एप्रन के साथ में एक 1100-1100 रुपये के आसपास का स्टेथोस्कोप जो था वो गिफ्ट किया था, बिकॉज उस टाइम पर BP का मेजरिंग रहता है, तो उसमें स्टेथोस्कोप की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है. हालांकि इतनी उसके अलावा कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट थोड़ा सा मतलब वाइब होता है, बिकॉज हर इतने टाइम से सोचा होता है कि स्टेथोस्कोप लेके जाया करेंगे, स्टेथोस्कोप होगा गले में, एप्रन होगा, तो वही मोटिवेशन होती है, तो जाते ही एंटर करते ही मन करता है कि चलो एक स्टेथोस्कोप खरीद लेते हैं. बट सपना तो फिर भी वही था कि लिटमेंट्स चाहिए, एंड फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है, इतना एक्सपेंसिव चीज़ों को खरीदना, 50 बार सोचना पड़ता है खरीदें कि ना खरीदें. तो आज एग्जैक्टली 3 साल के बाद जब मेरी वार्ड में पोस्टिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है 3rd ईयर के अंदर, तो आज मेरे पापा ने मुझे ये गिफ्ट दिया है. ठीक है, सो मुझे जैसे ही पता चला, पापा ने मुझे कॉल किया, उनके पास मैसेज गया कि ऑर्डर डिलीवर्ड एंड ऑल, तो ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि मैंने ये ऐसे किया था. सो इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, लाइक लिटरली हर मेडिकल स्टूडेंट का, हर नीट एस्पिरेंट का लिटमेंस हाथ में होना एक ड्रीम जैसी चीज़ होती है. मतलब वो चीज़ जिसके बारे में किसी ज़माने में कभी सोचा करते थे कि क्या मेरे पास भी लिटमेंस होगा, और आज वो चीज़ मेरे पास है. आई लिटरली कैंट एक्सप्रेस हाउ मच हैप्पी आई एम. यार पीछे मुड़ के थोड़ा सा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अभी तो वो रोया करते थे, अभी तो वो दूसरों की पिक्चर्स देखा करते थे, अभी तो इमेजिन क्या करते थे खुद को स्टेथोस्कोप के अंदर, एप्रन के अंदर, और आज वो चीज़ मेरे पास है. आई नो आपका भी मन करता होगा ये सब चीज़ें फटाफट से मिल जाएं, बट इस जर्नी के अंदर अभी बहुत अप एंड डाउन्स आने बाकी है. बहुत लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, बहुत बार आपको खुद को लगेगा कि शायद मैं इस जर्नी के लिए बना ही नहीं हूँ, शायद मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा. बट फिर एक बार सोच लेना यार, जो भी मेहनत कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें कर रहे हो, वो उस एप्रन और उस स्टेथोस्कोप के लिए कर रहे हो. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात बोलूँ ना, तो वो जो आपके प्राउड पेरेंट्स खड़े होंगे ना, जो एक हल्की सी स्माइल लेके आपको उस स्टेथोस्कोप और उस एप्रन के अंदर देख रहे होंगे, मेहनत करनी है ना यार, उनके लिए करो. नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे प्रॉमिस करके जाना कि आप अपना पूरा बेस्ट दोगे, अपनी पूरी जी जान लगा दोगे, एंड अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना. वन डे ट्रस्ट मी, वन डे यू विल बी लिविंग योर ड्रीम लाइफ, बट थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे. वनिले छतरी आला रे खोला गाया पे ताला रे, तू कर्म करे जा शर्म न करना, भीतर रख काला.